नमस्कार, मैं वर्षा परगट आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में कनेक्ट स्ट्रीट में। दोस्तों, 6 अगस्त एंड 9 अगस्त ये दो दिन वर्ल्ड हिस्ट्री में ब्लैक डेज करके हम जानते हैं, क्योंकि 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को जापान में ही हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए थे। उसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं कि किस तरह से सुबह सुबह में वो प्लेन्स आए और उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया और उसके बाद जो तबाही मची है जापान में, इसके बारे में हमने पढ़ा है, सुना है और बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर बनी हुई पिक्चर्स भी देखी हुई है। तो ये तो हम ज़रूर जानते हैं कि वो एक बहुत ही निर्दयी निर्णय था अमेरिका का एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप करने का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, क्रू मेंबर्स कौन था जो बॉम्ब लेकर गए और हिरोशिमा के ऊपर बॉम्ब ड्रॉप्स किए? क्या उन लोगों को कभी पश्चाताप हुआ? क्या उन लोगों ने कभी इंट्रोस्पेक्शन किया? उनकी मनस्थिति कैसी रही होगी, इसके बारे में हमने कभी जाना नहीं है। बहुत कम लोग इसके बारे में शायद जानते होंगे। क्यों? जिन्होंने हिरोशिमा के ऊपर एटम बॉम्ब गिराया था उन्होंने ये कहा था कि मेरी कब्र ना बनाई जाए, इसके पीछे का क्या कारण था? तो आइए हम जानते हैं। जनवरी 2007 में पॉल तिब्बत, ये जो प्रमुख क्रू मेंबर्स थे जिन्होंने हिरोशिमा के ऊपर एटम बॉम्ब डाला था, उनकी डेथ हुई थी 2007 में, जनवरी 2007 में। पॉल तिब्बत को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने ही वो बॉम्ब ड्रॉप किया था हिरोशिमा के ऊपर। वो ऐसे व्यक्ति थे जिसने दुश्मन शहर के खिलाफ लड़ाई करते हुए इस्तेमाल किए जाने वाला परमाणु बॉम्ब हथियार गिराया था। वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें राष्ट्रीय कब्रिस्तान में स्थान नहीं मिला। क्यों नहीं मिला ये हम बताएंगे ही। हिरोशिमा में जो बमबारी हुई, जो बॉम्ब गिराया था, तब वो वायुसेना में सबसे कम उम्र वाले पायलट थे या क्रू मेंबर्स थे, लेकिन सबसे अनुभवी पायलटों में से वो एक थे और इसीलिए उनका सिलेक्शन किया गया था। और उन्होंने गर्व से अपने हवाई जहाज का जो नाम अपनी प्यारी माँ के नाम के ऊपर रखा था, एनोला गे। एनोला गे उनके माँ का नाम था। उनकी आखिरी इच्छा क्या थी? जब ये सब कुछ हो गया और इन्होंने देखा किस तरह से तबाही मची थी हिरोशिमा और नागासाकी में, तो उन्होंने आखिरी इच्छा क्या बताई थी? उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा ये बताई थी कि मेरी कोई भी कब्र ना बनाई जाए या कोई भी पत्थर जैसा कोई भी मॉन्यूमेंट ना बनाया जाए, क्योंकि वो स्थान फिर परमाणु हथियार विरोधी प्रदर्शनों के लिए एक स्थान बन जाएगा। ऐसा न हो, इसलिए उन्होंने ये अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की थी। और इसलिए 2007 में उनके निधन के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया और उनकी जो शरीर की राख थी उसको इंग्लिश चैनल में बहाया गया, क्योंकि ज़्यादातर उड़ानें उन्होंने वहीं से भरी हुई थी। तो इस तरह से पॉल तिब्बत जो परमाणु बॉम्ब डाला था हिरोशिमा के ऊपर, उसके एक क्रू मेंबर थे। अब बात करते हैं दूसरे क्रू मेंबर्स के बारे में जो पॉल तिब्बत के बहुत अच्छे दोस्त थे, वो है वैन किर्क। वैन किर्क को पॉल तिब्बत ही लेकर गए थे। उन्होंने कहा था एक सीक्रेट मिशन हो रहा है, उस क्या तुम उसमें शामिल होना चाहोगे? और वैन किर्क शामिल हो गए, उनका सिलेक्शन हो गया। ही वॉज अनदर क्रू मेंबर और टोटल 12 क्रू मेंबर्स थे। उस वक्त अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे हैरी ट्रूमन, उन्होंने इनके नाम एक मैसेज लिखकर छोड़ा था कि क्योंकि स्वाभाविक था, इतना सब डिस्ट्रक्शन हो गया था, इतनी प्राण हानि हो गई थी, तो लोग तो बोलने वाले थे कि अरे इस तरह से कैसे निर्णय ले लिया, और इसका परिणाम मानसिक परिणाम भी हो सकता था इन क्रू मेंबर्स के ऊपर। इसीलिए राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन ने लिखा था, बोला था, ऑर्डर दिया था कि टोल्ड देम आई एम द गाय हु सेंट यू टू ड्रॉप द एटॉमिक बॉम्ब, इफ एनीबडी गिव्स यू अ हार्ड टाइम अबाउट इट रेफर देम टू मी, उनको मेरे पास भेजो। इस तरह का एक मैसेज उस वक्त के राष्ट्रपति यूएस के हैरी ट्रूमन में
लिखा हुआ था। फिर एक इंटरव्यू दिया गया था वैन क्रिक के द्वारा, और उस इंटरव्यू में वैन क्रिक ने यह कहा था कि नेवर लॉस्ट नाइट स्लीप ओवर हिरोशिमा, मतलब नींद नहीं आना, इस तरह का कोई प्रॉब्लम उनके साथ नहीं हुआ। और इसका कारण भी उन्होंने बताया कि व्हाई ही वाज एबल टू स्लीप प्रॉपरली, कारण ये बताया बिकॉज इट वाज ड्यू टू द ट्रेनिंग दैट वाज गिवन बाय यूएस एयरफोर्स एंड द पायलट्स वेयर शील्डेड फ्रॉम इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन पायलट करे ही नहीं, इस तरह का ट्रेनिंग यूएस एयरफोर्स ने इन लोगों को दिया था। और उन्होंने ये भी कहा था इंटरव्यू के दौरान, ही वॉज प्राउड टू बी ऑन इनोला गे, इनोला गे जो विमान एटम बॉम्ब लेकर गया था वो, ही वॉज प्राउड ऑफ इट, इस तरह से उन्होंने एक इंटरव्यू दिया हुआ था। तो ये दोनों व्यक्ति वैन किर्क और पॉल टिबेट्स उस क्रू मेंबर्स में थे जिन्होंने हिरोशिमा के ऊपर बॉम्ब ड्रॉप किया था। तो ये इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिससे पूरी दुनिया सीख सकती है कि किस तरह से खतरनाक वेपन्स अगर युद्ध के दौरान यूज करते हैं, किए जाते हैं, तो कितना बड़ा नुकसान सालों तक वो देश झेलता है। तो आज की बात इतनी ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए, और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।